भागलपुर शहर में लगने वाले जाम से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए आज से ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था 14 जगहों पर चालू कर दी गई है। इससे पहले 23 दिसंबर को सिग्नल चालू कर ट्रायल लिया गया था, लेकिन उस समय काफी जाम लगने के कारण थोड़ी देर बाद से ही बंद कर दिया गया था। वहीं इसमें कई तरह के सुधार के बाद आज से फिर से चालू कर दिया गया है। इसको लेकर लोग भी इस व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ लगातार घूम घूम कर आज से चालू हुई नई व्यवस्था को देख रहे हैं। उनका कहना है कि जहां कुछ गड़बड़ी आ रही है उसको देखा जा रहा है और एक दो दिन के अंदर उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। जैसे सभी लोग हैं यहाँ पे लगातार स्मार्ट सिटी की टीम जो ट्रैफिक डीएसपी साहब की जो टीम है, ट्रैफिक एसएचओ साहब, सभी लोग हैं यहाँ पे और लगभग सभी जगह ठीक ही ठाक चल रहा है। कुछ समस्याएं हैं, उसी को स्टडी करने के लिए किया गया है। आप लोग को भी जानकारी है कि एक एल्गोरिदम पे सारी ट्रैफिक सिग्नल काम करती है, तो हम लोग उसी का आकलन कर रहे हैं कि किस जगह पे कितना समय हम लोग को ग्रीन सिग्नल और कितना रेड, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। उस मुताबिक आप हम लोग एक दो दिन में आकलन करके उसको फिक्स करेंगे, तो निश्चित रूप से जो जाम की समस्याएं हैं इससे निजात पाने में मदद मिलेगी। जहाँ जहाँ डिवाइडर लगाए गए हैं कुछ जगहों पर ऐसा है कि बहुत छोटा सड़क हो जा रहा है, बड़ी गाड़ियां पार नहीं कर पा रही है। देखिए, जहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, अगर जहाँ पे इंक्रोचमेंट है तो वही हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको भी हटवाएंगे। जहाँ पे रोड ही अगर है कि जहाँ पे बहुत चौड़ी नहीं है तो हम लोग ये एक बार एक्सप्लोर करेंगे कि क्या उसका फ्लैंक को फर्दर एक्सपेंड किया जाता है कि नहीं। और डाइवर्जन रहने से ना, और जो डिवाइडर रहने से अगर तो रोड कम भी चौड़ी है लेकिन लेन में अगर लोग चले तो समस्या नहीं है। मेन है टाइमिंग सिग्नल का, तो उसको हम लोग एक दो दिन में स्टडी करके उसको रेगुलेट करें। सिग्नल के बाद सर जाम लगने का सिलसिला है, ऐसा नहीं लगता कि जब चौड़ीकरण पूरा हो जाता तब इसे चालू करवाना? नहीं, देखिए फिर वही वाली बात होती है, कभी 100% कभी भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, सभी चीज़ें साथ में चलती हैं। तो वही है कि जैसे देखिए आप कुछ कार्य करते हैं तभी आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो इसीलिए इसको शुरू किया गया है ताकि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो कि कहाँ पे समस्याएं आ रही है ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय में अब पार्ट 3 के छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति और परीक्षा नियंत्रक से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा है। परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार व छात्र छात्राओं के बीच तू तू मैमे की नौबत आ गई। दरअसल टीएमबी प्रशासन ने पार्ट 3 की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दिया है, 19 जनवरी से परीक्षा होनी है। छात्र छात्राओं का कहना है कि उनका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हो सका है। प्रोफेसर एक टॉपिक समझाने में एक सप्ताह लगाते हैं, चार दिन में एक सब्जेक्ट कैसे पूरा करेंगे। वो लोग परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। डेट अचानक ही आ गया है जो कि अभी ये 19 जनवरी से है। हम लोग का सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कॉलेज में सिर्फ दो सब्जेक्ट हम लोग का पढ़ाया जा रहा है जिसमें से दो पेपर अभी बिल्कुल भी टच नहीं हुआ है। अगर ये एग्जाम 19 जनवरी को होता है तो हम लोग पर पेपर चार दिन बचता है, जिसमें से अगर प्रोफेसर ही सिर्फ एक टॉपिक समझाने में पूरा एक वीक लगा देते हैं तो हम लोग एक सब्जेक्ट चार दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि कम से कम एक महीना हम लोग का एग्ज़ाम का डेट बढ़ाया जाए। 19 जनवरी से है और हम लोग एग्जामिनर कंट्रोलर से मिले और अभी प्रो बीसी से मिले हैं। कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसमें सीनियर एसपी, सिटी एसपी सहित सिटी डीएसपी का भी तबादला किया गया है। आज नए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कोतवाली थाना स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान कई पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें बुके देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सिटी डीएसपी ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने सहित शराब तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, आम जनता को कहीं से भी कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। भागलपुर की जीरो माइल स्थित जिला उद्योग केंद्र रेशम भवन में उद्योग विभाग के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर सुधार संबंधी जागरूकता को लेकर आयोजित कार्यशाला के दौरान उद्यमियों को उनके उद्योग में हो रही परेशानियों के विषय में जानकारी लेते हुए इसे किस तरह दूर किया जाए इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित बिहटा के कई उद्यमी मौजूद थे और अपने अपने उद्योग को लेकर होने वाले परेशानियों को और इससे निजात का टिप्स जाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे रिलेटेड वर्कशॉप था जिसमें कि जितने भी रिफॉर्म बिहार सरकार द्वारा किए गए हैं और सिंगल विंडो के क्या क्या फंक्शनैलिटी है उस पर उन लोग जो उद्यमी आए हुए थे उनको पूरा ब्रीफ में बताया गया और उनको डेमो दिया गया सिंगल विंडो का, ताकि वो जा कर के वहाँ पर अप्लाई कर सके और उनको कोई भी परेशानी आए तो ग्रीवांस वगैरह कर सके।
कहाँ कहाँ से उद्यमी आए थे और कितने उद्यमी आए थे सर, ये बताइए। भागलपुर जिले का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना PMAGP योजना से संबंधित और जनरल इंडस्ट्रियलिस्ट बियाडा से आए थे, बियाडा के अफसर भी इलेक्ट्रिसिटी विभाग से सेल्फ कमर्शियल टैक्स अफसर आए थे और उद्यमियों का प्रॉब्लम को ये लोग सुना और उसके सोलूशन का बताया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक्सपर्ट साहब बताए और प्रोजेक्टर पर सारा दिखाया गया और विभाग की तरफ से डायरेक्टर टेक्निकल तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था। और कितना इससे सहायता मिल सकती है? इससे फ्यूचर में बहुत सारा सहायता मिल सकती है। पहले क्या होता था कि सारे विभाग से कंसर्निंग लाइसेंस लेने के लिए दौड़ना पड़ता था, अब एक ही जगह पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, चाहे लेबर डिपार्टमेंट का हो, चाहे कमर्शियल टैक्स का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी विभाग का हो, और वो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उस पर ऑनलाइन सरकार उद्योग विभाग भी मॉनिटरिंग करते रहती है और उसको और उसका हेल्प काफ़ी मिलता है। भागलपुर के साकचक थाना क्षेत्र के नीलकंठ नगर काली स्थान के पास रहने वाले सुनील कुमार 24 घंटे से अधिक समय से साकचक थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस इनकी सुन नहीं रही है। जबकि बिहार के नए DGP के द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश पहले ही जारी किया हुआ है, उसके बाद भी थाने में पीड़ित की गुहार नहीं सुनी जा रही है और उसे थाने से भगा दिया जा रहा है। दरअसल सुनील कुमार के साथ कल सुबह पड़ोस के 5 लोगों ने मारपीट की और उसे घायल कर दिया, जिसके बाद वो अपनी गुहार लेकर कल से कई बार थाना आ चुका है, लेकिन पुलिस उसे डरा धमका कर थाने से भगा दे रही है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस कह रही है अगर तुम मामला दर्ज कराओगे तो उधर से भी मामला दर्ज होगा और तुम फंस जाओगे, यह डर दिखाकर पीड़ित को थाने से भगा दिया जा रहा है। घायल सुनील फरियाद लेकर अब वरीय अधिकारियों के पास जाने की सोच रहा है, अब देखने वाली बात है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। 4 बजे हम सुबह उठे थे साफ करने के लिए, हाँ 4 बजे हम सुबह उठे थे पेशाब करने जा रहे थे, पेशाब करके आए तो बंदोश भी आए 4-5 आदमी मिल के, पड़ोसी था उधर का कलर का पड़ोसी था, इतने में उसका नाम है कपिल देव मंडल, निरंजन मंडल, रुपेश कुमार मंडल, सविता देवी, चिंता देवी, किशोर मंडल, संगीता देवी, सविता देवी। काहे मारा? मारा हमको परसों, जिस दिन हुआ था ये घटना उसके परसों विवाद हुआ था थोड़ा सा घर से, इसी दौरान हमको मारा था। क्या विवाद हुआ था? विवाद हुआ था यही कि मेरा एगो छोटा भाई, उसका पापा नहीं है, वो मेरे बड़े पापा थे, ये गुजर गए, इसी कारण से उसको मारने पीटने लगा, तो इसी कारण से मेरा मम्मी जो है ना बोली कि कायल मारे थे, कायल करते हैं, इतने में वो बोलने लगा क्या कि हम उनको दिखा देंगे, देख लेंगे ऐसे उसे। थाना में केस किए? हाँ थाना में हम आए थे केस करने के लिए, से हम देख रहे हैं, बोला क्या कि कर देंगे, फिर थाना आए तो बोला क्या कि करेंगे, और उधर से केस करेगा आप फंस जाइए। घटना होने से कितना देर हो गया और अभी तक केस जो है दर्ज नहीं किया गया? हाँ कितना देर होने से हो तो गया, 24 घंटा से ज़्यादा। हाँ 24 घंटा। क्या बोला जा रहा है थाना के द्वारा? थाना से बोल रहा है क्या कि उधर से केस करेगा, तुम लोग डरा जाओगे, ये हो जाओगे, ऐसे डरा धमका। मेरा नाम सुनील कुमार। आज आए तो क्या बोला? कहाँ घर? कहाँ हुआ? घर हुआ नीलकंठ नगर काली मंदिर छोटी लेवल में। पहले से भी उन लोग से कोई भी बात था? हाँ पहले से था, ऐसे नहीं होता है झगड़ा उगड़ा, पड़ोसी है, पड़ोसी है, 4 जगह से मारा है सर हमको, मारा है वो गड़ासी से मारा गया है और मुंह में कट्टा सटाया था। कितना आदमी था मारने? वो मारने वाला 5 आदमी था और उधर से लेडीज उडीज भी थी, बाहर में आदमी घूर के रहे थे, ये मेरा चाचा हुआ ये निकला था बाहर। हथियार सटाया यानी आपराधिक प्रवृत्ति का है क्या बोलिए? हाँ अपराधी, एक बार जेल जा चुका है।